नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लॉकडाउन के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देशवासियों ने रात 9 बजे अपने अपने घरों के बाहर या बालकनी में दीप जलाए। राजनीतिक हस्तियों से लेकर आम लोगों तक सभी इस प्रकाश उत्सव में शामिल दिखे। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में विजय की मंगल कामना करते हुए दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दीप जलाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने घरों से दीप प्रज्वलन में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दिया जलाकर देश की सामूहिक एकता दिखाई। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से इसकी अपील की थी। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संबंधित मामलों पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से बातचीत की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा से महामारी के बारे में संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत की। प्रधानमंत्री संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध अभियान में लौह संकल्प दिखाने के लिए देशवासियों की सराहना की है। पूर्णबंदी की अवधि में लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोके। उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपील की। इस बीच उपराष्ट्रपति ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हालात सामान्य न हो जाएं, तब तक हर महीने वो अपने वेतन का 30% कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध अभियान में अपने योगदान के रूप में प्रदान करते रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 472 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पुष्ट संक्रमित मामलों की संख्या 3,374 तक पहुंच गई है। अस्पतालों से 267 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस से 274 जिले प्रभावित हैं। देश में 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोविड-19 की जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि निजी क्षेत्र को कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ अभियान में प्रमुख साझेदार की तरह काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में इसमें सहयोग करें। वहीं दुनिया भर के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख को पार कर गई है। 69,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में मौत का आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। इस बीच अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। यहां अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में अब तक इस महामारी से 12,641 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में आज भगवान महावीर की जयंती पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती पर सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी महावीर जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने लोगों से कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट के समय में भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या पर आधारित उनका जीवन हर किसी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।